इडली रेसिपी एकदम सॉफ्ट मुलायम स्पंजी, एकदम कलर देखिए एकदम व्हाइट सा कलर आया है। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, एकदम सॉफ्ट है, मुलायम है। और इसको तोड़ के देखेंगे तो एकदम से स्पंज जैसा दिख रहा है, ये एकदम देखिए एकदम स्पंजी दिख रहा है। और सबका ये इडली रेसिपी जो है बनाते तो वैसे सभी हैं, लेकिन सबका जो बनाने का तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है। अलग अलग तरह से सब बनाते हैं, अपने अपने तरीके से बनाते हैं, अपने अपने स्टाइल से बनाते हैं। तो अलग अलग आप तरीका से बनाएंगे तो टेस्ट भी अलग आएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रंजना और रंजना किचन में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो इडली बनाने के लिए ये एक कटोरी चावल, ये चावल आता है ना वाइट चावल जो होता है, इडली वाला चावल होता है, ये उड़द दाल अगर हम एक कटोरी चावल लेंगे तो उसी कटोरी से आधा कटोरी दाल, ये एक चम्मच मेथी दाना। अब इसका जो है बैटर, वो क्या होता है जो इडली को उसको चावल को जो है सो 7 से 8 घंटे तक पानी में रखेंगे, और पानी दोनों को चावल को दाल को, और उसके बाद उसका पेस्ट बना करके, और इस पेस्ट को भी जो है सो 6 से 7 घंटे के लिए रखना होता है। अगर 6 से 7 घंटा रखेंगे तो उसमें वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा। तो अब हम इसको, ये इडली मोल्ड है वो लेंगे, और उसमें तेल, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल है या घी, अब जो भी है वो इसको अच्छे से उसमें लगा लेंगे, और सब में बैटर जो है सो डाल देंगे। इस सब में बैटर डाल देंगे। आप देखते होंगे कि जब हर कोई आदमी बनाता है इडली तो उसमें नमक डालता है, लेकिन हमने इसमें नमक नहीं मिलाया है। ऐसे नमक नहीं मिलाने से भी इसका ये जो है सो बहुत ही सॉफ्ट बनता है। अगर आप नमक मिला देंगे तो टेस्ट एक अलग सा आएगा, और नमक नहीं मिलाएंगे तो उसका टेस्ट अलग आ जाता है। सारे मोल्ड में हमने डाल दिया, और इसको अच्छे से सेट कर देंगे। और इसको अच्छे से सेट कर दिए, सब में भर के इसको अच्छा से सेट कर दिए। ये देखिए, और एक कुकर में 1 गिलास पानी डाल के उसको बॉईल कर देंगे। 1 गिलास पानी कर, ये 1 गिलास पानी है, गैस ऑन कर दिए, 1 गिलास पानी डाल दिए, पानी डाल के उसको गर्म कर लेंगे। और ये ढक्कन का जो है रबर वो निकाल देंगे, सीटी भी निकाल देंगे, और इसको ढक के पानी को गर्म होने देंगे। पानी जब खोलने लगेगा तो इसमें हम इडली को डाल देंगे, डाल के अब इसका ढक्कन बंद कर देंगे, और 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे हाई फ्लेम पर। 10 मिनट हो गया है, अब हम एक चाकू की सहायता से इसको टेस्ट कर लेंगे। अगर चाकू में ये इडली लग जाएगा, अभी ये लग गया है, जिसको 10 मिनट छोड़ देंगे। अब देखते हैं, अब ये फिर डाल के देखते हैं। देखिए, अब चाकू एकदम क्लीन आया है, इसका मतलब है कि हमारा इडली जो है सो पक चुका है, और अब हम इसे निकाल लेंगे। ये इडली बनके गर्मा गर्म इडली बनके तैयार है, एकदम सॉफ्ट। देखिए, इसे ऐसे दबा करके देखेंगे, एकदम सॉफ्ट है, बीच में बिल्कुल हार्ड नहीं है। देखिए, एकदम बिल्कुल हार्ड नहीं है, एकदम ये स्पंज जैसा दिख रहा है। इसीलिए आप इसे एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करें। और इसका बैटर जो भी जो हमने बनाया था ना, वो बिल्कुल भी पतला, मतलब नहीं ज़्यादा पतला था, और हल्का सा मोटा ही था। और ये गर्मा गर्म इडली बन के रेडी है, और इसके साथ चटनी और सांभर, इडली के साथ जो सांभर और चटनी का मज़ा ही कुछ और होता है। तो फ्रेंड्स, मेरी जो अगली रेसिपी होगी वो सांभर की होगी और चटनी की। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलें। फ्रेंड्स, आप अगर क्या कहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे वीडियो को पसंद करेंगे, तभी तो मैं आगे आ पाऊँगी। इसीलिए आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाय बाय।